आज की प्रेस मीट बड़तल मुस्लिम यूथ फेडरेशन तरफी नसल मना जाते हैं। मैं तमाम रिपोर्टरों इस्तकबाल करता। आज की प्रेस मीट के का मुसलान हमसो आसले 3 नवंबर BCL हाउस BCL 5 क्रिकेट टूर्नामेंट होतो, लेकिन तकरीबन 20-22 दीस जाले फलस्तीन के जे कोणते हालात है आनी मुसलमाना ऊपर आसले जे कोण तो जुल्म करते वाटे इस्राइल तेजी पहला आम्ही मजम्मत करता आणि तेका तेजो खंडन करता। केका बोला इनोसेंट मानच्या ऊपर आसले तो बमबारी करून हॉस्पिटला ऊपर आणि असले बाकी दुसरी चीजा ऊपर आसले त्या पाबंदी लावून कोण आसले तेंका नसलकशी करते वाटे। ते सिलसिलात आमचे तमाम स्पोर्ट्स सेंटरा तर्फीन फेडरेशना तर्फीन आसले आम्ही इस्राइलची हे मामले आपते मजम्मत करतात। दुसरे काका उचलान येतं ही हालात भितर आसले सगळे वर्ल्ड जंगचे माहोल भितर चालते आहे आणि आमचे मुसलमाना ऊपर नव आणि असले इन्साना ऊपर असले जुल्म जाते आहे। हे टायमा ऊपर असला अगर आम्ही खेळ खेळून बसतले तरी एन्जॉयमेंट करून करतले तरी असले आमका आम्ही असले ते सिलसिला असले तो हे करू मागे नाही। त्या सबब आमचो जे कोण तो 3 नोव्हेंबर आमचो क्रिकेट टॉर्नामेंट होतो हेच्या भितर असला ते सगळं आम्ही ऑक्शन केले होते आणि आमचे पुरा ओनरे झाले होते पुरा प्लेयर असले आयकॉन तय झाले होते सहार चिजो तय झाली होती। 3 नोव्हेंबर आमचो टुर्नामेंट आमचं सुरू करूचे बाकी होते ग्राउंडची सफाईकू झाली होती हे सवज करूचे आणि ते हे 20-22 दिसा भितर आम्ही मुशायरा उर्दूचं मुशायरा धरवतले होते। हे झाला असले इस्लामिक तराना क्लबाचे मुखा क्लबाचे आपसा भितर असले इस्लामिक तराना धरवतले होते ब्लड कॅम्प धरवतले होते इशिकत असले लयसराचो असले चढाचो कॅम्प धरवतले होते। हे सवज प्रोग्राम आम्ही असले फलस्तीनचे आमचे आवामाचे फलस्तीनचे मुसलमानाचे एकजेती सबब आणि त्यांची सॉलिडॅरिटीचे तहत असले हो प्रोग्राम आम्ही असले कॅन्सल करते वाटे। त्या सबब असले आम्ही तमाम नौजवाना काल आमची मीटिंग झाली काल राती फेडरल कौन्सिलची मीटिंगे भितर असले हे तय करून बिल इतफाक तय करून गेले गेला म्हणून तय केले कापसलान हो प्रोग्राम हो जे कोण तो खेळाचा प्रोग्राम आहे कॅन्सल करू जे म्हणून हे हे सिलसिलात मी तमाम नौजवानाचो आमचे तमाम स्पोर्ट्स सेंटरात मुबारकबाद देता की जे कोण ते हालात भितर आमकां हांगा कॉपरेट केले आणि एक आवाज जाण करून आमचे आवाज भितर मिळवून करून आमकां जे कोण ते असले त्यांची जमाचे असले कॉपरेशन मिळलो आणि एटलो खर्च एटलो खर्चोचे बावजूद को असले आम्ही अल्हम्दुलिल्लाह एक मुसलमाना उपर जे कोण ते असले आजमाईश आले ते हे सिलसिला असले आम्ही समोर असले एक जाऊन करून हे काम येतले कॅन्सल केले। दुसरे तिसरे आपले काम उचला असले येतं असले खाली आम्ही येतले टुर्नामेंट कॅन्सल केले आणि असले आम्ही असं आपसा असले मस्ती मस्ती तर असले बोलान काही फायदा नाही। आम्ही इस्रायलाचे जे कोणते प्रोडक्ट आहे त्याका बायकाट करूकात आणि आम्ही आमच्या तर्फी जाऊन उठले आम्ही असले आमची नावचे भितर आणि असले आमचे आम्ही बाकी अवकाश भितर को असले आमचे फलस्तीनचे मुसलमाना सभा खास करून दुआचे एहतमाम करूकात आणि इन्शाल्ला माका उम्मीद आहे की इन्शाल्ला आम्ही आमची जे कोणती जे कोणती ही आवाज आहे दूर सगवतली आणि आईंदा को अगर इथले कोणते इथले काही चिजो झाली तरी असले आमचे नौजवान आमचं असले भरपूर सपोर्ट करतले। मी बी एक मरतबा समाजचा शुक्रिया अदा करते आणि उम्मीद करते की इन्शाल्ला सवत नौजवान आमकां इन्शाल्ला कॉपरेट करतले बलून मी आपली खतम करता वाकरू दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व सल्लल्लाहु व सल्लम अला मुहम्मदिन व आलिहि व सहाबी अजमाईन। हजरात अब हजरात इस बात से वाकिफ है कि भटकल मुस्लिम यूथ फेडरेशन हम सबों के लिए मोहताज तारुफ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह भटकल मुस्लिम यूथ फेडरेशन की तरफ से हमारे इलाके में ख़ासतौर पर नौजवानों के अंदर दीनी एतबार से मिल्ली एतबार से कौमी एतबार से और आपसी इत्तेहाद और एकजहती के एतबार से और इसी तरह से मुख्तलिफ खेल के एतबार से मुख्तलिफ काम वजूद में आ जाता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 3 नवंबर को भटकल मुस्लिम यूथ फेडरेशन की तरफ से BCL 5 क्रिकेट टूर्नामेंट मुनाकिद होने वाला था, लेकिन चूंकि हम सब जानते हैं कि आजकल के जो फ़लस्तीनी जो अहवाल हालात हैं और मुसलमानों पर जिस तरह जुल्म हो रहा है मुसलमानों औरतों पर बच्चों पर और नौजवानों पर और तमाम मुसलमानों पर फ़लस्तीन में गज़ा पर जहाँ पर जिस तरह जुल्म किया जा रहा है इस पस मंज़र पर हम उनकी गम के साथ शरीक हैं और एक इंसानियत के अतबार से कल 28 अक्टूबर 2023 ईस्वी 12 रबीउस्सानी 1445 हिजरी कल ईशा की नमाज के बाद भटकल मुस्लिम यूथ फेडरेशन की इंतजामिया की नशिस्त थी। अलहमदिल्ला बिल इतफाक़ तमाम स्पोर्ट्स
सेंटरों के नुमाइंदों और कायदों ने और ख़ासतौर पर इससे पहले हमारे ओनरों ने भी इत्तेफाक के साथ इस क्रिकेट टूर्नामेंट को कैंसिल करने पर हमारा साथ दिया। इस मौके पर हम तमाम नौजवानों का, खुसूसन तमाम स्पोर्ट्स सेंटरों का, इसी तरह से खुसूसन तमाम ओनर्स का हम शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे यहाँ पर तलहा साहब स्पोर्ट्स सेक्रेटरी है, हर एतबार से पूरी तकरीबन तैयारी हुई थी, लेकिन उसके बावजूद हमारे अंदर ईमान है और ईमानी जज्बा है, और चूंकि मस्जिद अक्सा हमारा पहला क़िबला है, इसलिए हमारे अंदर ईमानी जज्बात के होने की वजह से हम इन तमाम का प्रोग्राम को, जैसा कि हमें हमारे सदर साहब ने हमारे नवाजी ज़ुबान ने बताया कि इस दौरान हमारे मुख्तलिफ प्रोग्राम भी थे, तराना मुसाबका था, मुशायरा था, और इसी तरह से बिरड कैंप था, इसी तरह से लेसन कैंप था, मुख्तलिफ प्रोग्राम थे। इस दौरान हम फेडरल कौंसिल के इंतजामिया में इन तमाम प्रोग्राम को कैंसिल कर दिया गया है, ताकि हमारे जो भाई गम के अंदर, तकलीफ के अंदर और जिस मुसीबत के अंदर मुब्तला है, हम भी पूरे शान बशान हर एतबार से उनके साथ शरीक हैं, और हम आपसे दुआ भी करते हैं कि आप लोग हमारे इन मजलूम मुसलमान भाई बहनों के लिए दुआ करें कि अल्लाह की तरफ से उनकी जल्द अज जल्द मदद हो और उनका सर बुलंद हो। और हम इस मौके पर जो इसराइल की तरफ से जो जुल्म हो रहा है, हम इस भरपूर हमको इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि हाँ, जितनी उनकी तरफ से जो कुछ चीज़ें हम हमारे यहाँ इस्तेमाल करते हैं, पूरे एतबार से हम उससे परहेज करें, एहतियात करें, अपने घर में रहने से भी एहतियात करें, ताकि हमारे मुसलमान भाइयों पर जो जुल्म हो रहा है कि इसके जरिए कम से कम आप कुछ कर नहीं कर सकते, कम से कम ये तो कोशिश करें। और ख़ासतौर पर उनके लिए हम दुआएं भी करते रहें, अल्लाह ताला उनको उनकी मदद फरमाएं और हर तबारे से उनकी नुसरत फरमाएं और मदजाक्सा अल्लाह तबारक व ताला आदाद फरमाएं। ये हम लोगों की तमन्ना है, और हम आपसे यही दरख्वास्त करते हैं, और हम आप तमाम स्पोर्ट्स सेंटरों का और तमाम नौजवानों का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आप तमाम लोगों ने हमारे इस आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए इस फैसले को कबूल किया, और हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा जब भी फेडरेशन के जिम्मेदारों की तरफ से जो भी मामला आपके हवाले किया जाएगा, आप इंशाल्लाह शर्फ़ कबूली से नवा देंगे। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें सही एतबार से दीन की, कौम की, मिल्लत की अल्लाह हमें खिदमत करने की तौफीक नसीब फरमाए। वसल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही अजमाइन।